नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अमेजिंग वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे डिजिटल ई करेंसी रुपीस क्या है और डिजिटल ई करेंसी रुपीस एप्लीकेशन को हम किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, कौन कौन सी बैंक यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, कौन कौन सी सिटी में से यहाँ पर जो कि अवेलेबल है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको जो कि ये वीडियो लास्ट जरूर देखना, ठीक है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप जो कि वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करके जरूर जाना। तो चलो सबसे पहले हम जान लेते हैं डिजिटल ई करेंसी क्या है, ठीक है। तो डिजिटल ई करेंसी यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, एक करेंसी यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में है, जैसा कि ये वेब थ्री पर प्रोसेस रहती है। और वेब थ्री यहाँ पर जो कि आप जानते ही हैं वेब थ्री क्या होता है, यहाँ पर ब्लॉकचेन होती है। ब्लॉकचेन में यहाँ पर आपको जो है कि आपका डेटा बिल्कुल इंक्रिप्टेड रहता है, ठीक है। तो और जान लेते हैं कि यहाँ पर जो आपकी डिजिटल करेंसी है इसमें और आपके जो यूपीआई है उसमें क्या जो है कि फ़र्क रहेगा। तो डिजिटल करेंसी और आपका जो यूपीआई करेंसी है उसमें सिर्फ ये फ़र्क रहता है कि आपका जो है कि डिजिटल फॉर्म में होता है ये यूपीआई और ये जो है कि डिजिटल करेंसी होता है, ठीक है। डिजिटल फॉर्म में आपका जो पैसा आपका ट्रांसफ़र करते हैं एक बैंक से दूसरी बैंक में यानी कि यूपीआई करते हैं तो आपका जो कैश के फॉर्म में होता है वो। और डिजिटल जो ई करेंसी रुपीज़ है इसमें आपको कोई भी कैश का फॉर्म में नहीं होगा, डायरेक्टली यहाँ पर जो कि करेंसी होगी हमारी डिजिटल वो जो कि दूसरे में हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे, जिसको हम डिजिटल ई करेंसी कहते हैं, ठीक है। ये बस इतना सा फ़र्क होता है। और कौन कौन सी बैंक ये प्रोवाइड कर रही है, कौन कौन सी सिटी में अवेलेबल है ये भी हम जान लेते हैं। तो कौन कौन से बैंक, ठीक है। तो कौन यहाँ पर जो है कि दो चरण में यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। फर्स्ट जो पहला चरण है वो चरण है यहाँ पर जो है कि चार बैंक यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद में यस बैंक, उसके बाद में जो है कि ICICI बैंक, उसके बाद में यहाँ पर हमारी IDFC फर्स्ट बैंक। ये चार बैंक अभी पहले चरण में प्रोवाइड कर रही है। चारों बैंक कौन सी सिटीज में प्रोवाइड कर रही है, ये चारों बैंक यहाँ पर चार सिटीज़ में प्रोवाइड कर रही है, जिसका नाम यहाँ पर जो है कि मुंबई, नई दिल्ली और बेंगलुरु और उसके बाद में है जो है कि भुवनेश्वर, ठीक है। तो ये अगर आपके पास में अभी इन बैंक में अकाउंट है तो आप जो है कि पहले चरण में इसका बीटा वर्जन यानी कि पायलट मोड अभी चल रहा है इसका, ये पायलट मोड में आप जो है कि प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हर किसी कस्टमर को नहीं मिलता है, बैंक यहाँ पर जो है कि उनको एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है, इस वजह से यहाँ पर जो है कि किसी भी सिलेक्टेड पर्सन को ये मिलता है, यानी कि स्पेसिफिक पर्सन को ये मिलता है, ठीक है। अब बात जान लेते हैं हम कि जो दूसरा चरण है उस दूसरे चरण में कौन कौन सी सिटीज़ में और कौन कौन से बैंक और हमें जो कि प्रोवाइड करेगी ई करेंसी रुपीज। दूसरे चरण की जो चार बैंक हो रहे यानी टोटल आठ बैंक में यहाँ पर जो ट्राइप किया है RBI ने, जैसे कि दूसरे चरण की मैं आपको बैंक नाम बता देता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद में यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और लास्ट में कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। ये चार बैंक और आपको जो दूसरे चरण में प्रोवाइड करेगी डिजिटल ई करेंसी एप्लीकेशन और जो है कि इसका पायलट मोड होगा और ये कौन से सिटीज़ में अवेलेबल होगा ये आपको और बता दूं मैं। तो ये दूसरे चरण की जो सिटीज़ होगी वो अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी और हैदराबाद, इंदौर, कोची और लखनऊ, पटना, शिमला, ठीक है। ये आठ नौ शहर और हैं जो आपको यहाँ पर डिजिटल ई फॉर्म में करेंसी आपको जो प्रोवाइड करेंगे और आपको एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप जो है अगर इनमें से इन्हीं सिटीज़ में हैं और आपके पास में जो है कि इनमें से कोई सा भी एक अकाउंट है तो आप जो है कि इनका पायलट मोड यूज़ करके आप जो है कि यहाँ पर आपका डिजिटल ई करेंसी अकाउंट बना सकते हैं। और बात रही यहाँ पर अगर आपके पास में इनमें से कोई सा भी अकाउंट नहीं है और कोई से भी जो है कि आपके बैंक में यहाँ पर अवेलेबल नहीं है एप्लीकेशन, तो आपको जो है कि टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इनका वॉलेट जो ऐसा है इसमें आपको कोई सी भी बैंक हो आप जो है कि इनमें वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो है कि डिजिटल करेंसी का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास में जो है कि ये बैंक हो तभी आप जो यूज़ कर पाएंगे, बट ये है कि आपका जो वॉलेट है वो तो क्रिएट हो जाएगा। तो और भी अगर कोई से क्वेश्चन है आपके पास में तो मुझसे पूछ लेना, आपको मैं आगे बता देता हूँ कि आपको जो कि यहाँ पर एप्लीकेशन किस प्रकार से डाउनलोड करनी है और आप आफ्टर जो है कि ये दूसरे चरण में आएगा आपका तो किस प्रकार से आपको जो डाउनलोड करना है सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलो हम बढ़ते हैं डिजिटल ई करेंसी एप्लीकेशन को किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ और अकाउंट बना के भी इसमें दिखा देता हूँ। सो दोस्तों हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर, तो यहाँ पर जो है कि मैं आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना सिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम जो है कि ICICI बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, यहाँ पर जो है कि हमारे सामने डिजिटल ई रुपीज़ का डाउनलोड करने की एप्लीकेशन का यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप चाहे तो यहाँ से जो QR कोड दिखाई दे रहा है इसकी स्कैन करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो कि यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है डाउनलोड द ऐप, इस पर क्लिक करके आप जो कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा, बट उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं वो सारा यहाँ पर बताया गया है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर भी है कुछ, किस प्रकार से आप जो कि इसमें डिजिटल रुपीज़ विड्रॉल कर सकते हैं, किस प्रकार से नहीं, इसके FAQs भी हैं, तो आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम जो कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हम जो कि डाउनलोड द ऐप पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास में जो है कि डाउनलोड एप्लीकेशन का आ गया है, तो हम जो कि अगेन यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। देन आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर जो कि डाउनलोड हो चुकी है, अब इसे हम ओपन करते हैं, ठीक है।
जो कि मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर ICICI बैंक का, अगर आपके पास में दूसरे बैंक का है तो आप जो कि वो बैंक का नाम लिख के और देके डिजिटल ई रूपी यहाँ पर जो कि डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर अदरवाइज आपके पास में इनमें से कोई सी बैंक नहीं है तो आप जो कि ICICI का वॉलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इंस्टॉल कर लेते हैं, हम देखते हैं, इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन यहाँ पर हम जैसे करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस हमारे पास में आएगा, तो यहाँ पर जो कि स्कैन हो चुका है ये देख सकते हैं हमारे पास में ICICI बाई है पावर्ड बाई। चलो हम इसमें एंटर करते हैं, इसके बाद में एलो करना है आपको। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि इसका टर्म्स एंड कंडीशन है सारा हम एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर जो है कि स्किप कर देते हैं इसको, स्टार्ट रजिस्टर्ड पर हम करते हैं। उसके बाद में आपको जो है कि यहाँ पर 5 स्टेप में आप इसमें अकाउंट बना सकते हैं, यानी कि आपका इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर सिम सिलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पर जो है कि सिम सिलेक्ट कर लेता हूँ सेकंड वाली, ठीक है। चलो सेकंड वाली मैं यहाँ पर यूज़ करके देखता हूँ। सबसे पहले वेरीफाई सिम पर आपको क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास में अलर्ट का यहाँ पर मैसेज आ चुका है, जिसमें यहाँ पर लिखा रहा है अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर, यानी कि ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो रीज़न मैं बता देता हूँ, ये रीज़न ये है कि जो पहला चरण चल रहा है अभी, इस फर्स्ट चरण में यहाँ पर जो है कि पहले चरण में मैं इंदौर सिटीज़ में हूँ, यानी कि मैं उन 4 सिटीज़ में नहीं हूँ, इस वजह से यहाँ पर जो कि दूसरे चरण में इंदौर सिटी है, तब मैं आपको जो कि इसमें रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। अगर जो कि पहले चरण वाली 4 सिटीज़ में है तो आप जो कि इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रीज़न इस वजह से मैं इसमें रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कर पाऊँगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे चरण में, ठीक है। तो हम देखेंगे, वो एक और वीडियो बनाएंगे हम डेडिकेटेड, जिसमें आपको मैं A to Z जानकारी देकर दिखाऊँगा। तो आप जो कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, तो जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करके जो है, मिलता हूँ किसी और अनदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।